वेलकम टू प्रेजेंटेशन ऑन सुजलोन एनर्जी। सुजलोन एनर्जी का थर्ड क्वार्टर रिजल्ट 4 फरवरी को आया। इसके पहले 30 अगस्त को फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट आने के बाद सुजलोन एनर्जी का एक वीडियो प्रेजेंटेशन हमने अपलोड किया था। उसके बाद जो है इसके पर शेयर प्राइस में काफ़ी अप्रिसिएशन बीच में देखने को मिला जनवरी महीने में। सेकेंड क्वार्टर के रिजल्ट के बाद कुछ हमने अपडेट नहीं दिया, क्योंकि सेकेंड क्वार्टर रिजल्ट में जो है एक्सेप्शनल आइटम की वजह से कुछ क्लियर पिक्चर उतना पता नहीं लगती। तो अभी जनवरी में एक बहुत अच्छा अपमूव इसमें आया था, अपमूव वो जो फिजल आउट हो गया, और अभी जो सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर रिजल्ट जो आए हैं उसके बाद से वापस जो है कंसोलिडेशन में शेयर है। तो जरूरी यह है कि अभी जो भी रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था 1 जुलाई को जो कंप्लीट हुआ है, उसके हिसाब से कंपनी की परफॉर्मेंस में कुछ सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो सब चेक करने के लिए और जानकारी एनालाइज करने के लिए जो भी डाटा इन्होंने पब्लिश किया और बाकी जो भी पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, उससे ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि इसमें वैल्यू है या नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर के साथ। फैक्ट फिगर एंड ओपिनियन इन द प्रेजेंटेशन वीडियो आर बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन अवेलेबल इन डिफरेंट एजेंसीज एंड पब्लिक डोमेन एंड पब्लिश्ड इन गुड फेथ। व्यूअर इन देयर ओन इंटरेस्ट मे लाइक टू क्रॉस चेक एंड वेरीफाई इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कंसर्न सोर्स बिफोर मेकिंग एनी फाइनेंशियल कमिटमेंट। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर कमिटिंग एनी मनी। तो जैसा कि पुराने वीडियो में ये जानकारी था, थोड़ा रिपीट हम उसको कंटिन्यूटी बनाने के लिए करते हैं। 1995 में तुलसी तांती ने जो 20 एम्प्लॉय की टेक्सटाइल कंपनी बनाई थी, जो इसके मालिक हैं, तो वहाँ पे जो है इरेटिक पावर सप्लाई होती थी अहमदाबाद में। उसके चक्कर में इन्होंने जो है अपना कैप्टिव यूज के लिए वो बनाई, एक विंड मिल बनाई, और 2001 में जो है इन्होंने टेक्सटाइल बिजनेस बेच दिया। और 2003 में जो है इनको यूएसए से 24 टरबाइन का ऑर्डर मिला। 2005 में आईपीओ लाए 510 रुपए में, और बहुत अच्छा रहा वो। 2007 तक बहुत अच्छा उसका प्राइस परफॉर्मेंस मार्केट में रहा, और तभी इन्होंने वर्टिकली इंटीग्रेटेड विंड पावर कंपनी बनाया। कुछ बाहर में इन्होंने एक्विजिशन भी किया जिसको लेके कर्जा हो गया, और कर्जे में जो फंसते फंसते जो है इन्होंने एक बार रिस्ट्रक्चरिंग किया था पहले, और अभी तो दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग किया। तो आप जो ये फिगर देख रहे हैं यहाँ पे, अगस्त 2014 में सुजलोन का डेट 8,000 करोड़ था, जो 15 में बढ़ के जो है कितना हो गया, 17,810 करोड़ हो गया, और 16 में उसको रिस्ट्रक्चरिंग करने के बाद घटा के 11,430 करोड़ किया। बीच में जो है इस सैनवियन को बेच दिया 7,200 करोड़ में, उससे वो आपका जो है टॉप लाइन बॉटम लाइन सब कुछ भी चला गया जब कंपनी का अपने हिस्सा बेच दिया। अब CDR2 में जो प्रपोज अभी दोबारा रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है, उसमें 60% हेयर कट फाइनेंशियल क्रेडिटर को प्रपोज किया गया, जो डेट था 13,186 करोड़ का। कन्वर्टेबल डेट को जो है और सस्टेनेबल नॉन सस्टेनेबल में डिवाइड करके जो है और पैकेज जो है अप्रूव हो गया। तो अप्रैल 2013 में जो है पहला कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग हुआ था, 9,500 करोड़ का वो पैकेज था। जनवरी 2013 में 19 बैंकों ने उसको अप्रूव किया था, और उस समय जो मालिक हैं तुलसी तांती, उनका ये कहना था कि अभी हमारा फोकस 100% जो बिजनेस ऑपरेशन और रिजल्ट देने में रहेगा, और हुआ भी 2 साल तक थोड़ा अच्छा रिजल्ट आया, उसके बाद वापस जो है ये वही कर्ज में डूब गए। थोड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है कि जो वर्किंग एनवायरनमेंट है ये रिन्यूएबल एनर्जी का, वो उतना अच्छा नहीं रहा। और अभी 1 जुलाई 2020 को जो है दोबारा इनका रिस्ट्रक्चरिंग जो 2019 में 7 जुलाई को ICA साइन करने के बाद किया गया था, वो 1 साल के अंदर अंदर करीब कंप्लीट हो गया, और 1 जुलाई को पूरा चालू हो गया उसका इफेक्ट। और ये उसका डिटेल है, सस्टेनेबल डेट 3600 करोड़ है, इंटरेस्ट 9%, रिवेबल 1 जुलाई से 10 साल में, और उसके अलावा जो 13,185 करोड़ का और जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज था उसमें बाकी जो फॉरेन करेंसी का था उसको भी कन्वर्ट कर दिया गया। ऑप्शनली कन्वर्टेबल डिबेंचर है और कंपल्सरी कन्वर्टेबल प्रिफरेंस शेयर में कन्वर्ट करके इस तरीके से जो है ये डेट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज जो है अप्रूव हो गया और इफेक्ट आ गया 1 जुलाई से। तो ये पहला रिस्ट्रक्चरिंग हुआ। दूसरा, इसके बाद फाइनेंस कैसे कंपनी की काम कर रही है, किस तरह का है,
उसको जानने के लिए जरूरी है कि थोड़ा लंबे समय से जो उसकी जो फाइनेंशियल को एनालाइज किया जाए। तो हमने 10 साल के फाइनेंशियल्स इसमें कंपेयर किए हैं, तो 18,000 से 20-21,000 करोड़ का जो टर्नओवर होता था 2014-15 तक, वो जब सैनवियन बेच दी तो टर्नओवर भी गया, तो 13,000 करोड़ हुआ 16-17 में, उसके बाद 8,700 हुआ, फिर 500 हुआ, फिर 2,500 करोड़ ही पिछले साल में हुआ है। और जहां तक प्रॉफिटेबिलिटी का सवाल है, तो ये सब लॉस में थी, 10-11 लॉस है, 12-11-12 लॉस है, 12-13 लॉस है, और 13-14 भी लॉस है। 15-14-15 में 9,000 करोड़ का लॉस डिक्लेयर करने के बाद 2 साल खाली प्रॉफिट में रही, वो थी 2015-16 में और 16-17 में, उसके बाद फिर वापस लॉस में, और इस खेल शुरू हो गया लॉस रिपोर्टिंग। क्वार्टरली रिजल्ट अगर देखते हैं, तो क्वार्टरली रिजल्ट अभी के जो 7 क्वार्टर रिजल्ट इसमें दिए हुए हैं, तो उसमें जो टर्नओवर आपका रिवेन्यू था वो 800-900 करोड़ के, 800-800-600 करोड़, 700 करोड़, तो अभी खाली थर्ड क्वार्टर में 954 करोड़ का रिवेन्यू आपको नजर आया देखने में। लेकिन इसमें अभी जैसे इंटरेस्ट बर्डन पहले 340 करोड़ था फर्स्ट क्वार्टर तक, तो अभी वो करीब 200 करोड़ के आसपास इंटरेस्ट बर्डन है, और उसकी वजह से इतना प्रॉफिट जो है नहीं कमा पा रहा ईबिट लेवल पे, तो वो नेट लेवल पे अभी भी लॉस चलता है। तो क्वार्टरली जो कंपेयर किया क्यू ओ क्यू मतलब YoY Q थर्ड क्वार्टर की कंपैरिजन है, तो पिछले साल 2 मेगावाट की बिक्री थी, अभी 84 मेगावाट की जो नेट वॉल्यूम टर्म्स में है, और ग्रॉस प्रॉफिट 270 करोड़ से 457 करोड़ हो गया करीब, और प्रॉफिट मार्जिन जो 41% ग्रॉस लेवल पे 49% नजर आता है। इप्टा जो है पहले नेगेटिव होता था, अभी 15% पॉजिटिव नजर आता है। इप्टा लेवल पे एटलीस्ट सेटिस्फेक्शन रख सकते हैं, लेकिन नेट लेवल पर अभी तक कोई भी राहत नहीं है। फाइनेंस कॉस्ट 415 क्वार्टरली जो तो होता था वो करीब 190 करोड़ के आसपास हो गया। 9 मंथ का अगर देखते पिक्चर, तो उसमें भी थोड़ा सा ये समझ में आता है कि 36% 38-37% ग्रॉस मार्जिन होता था, वो 55% अभी है, और इप्टा मार्जिन जो माइनस होता है वो 15-16% के लेवल पे काम कर रहे हैं। उसके बाद जो फाइनेंसिंग का है, ये 9 मंथ की फाइनेंस में तो पिछले फर्स्ट क्वार्टर की भी जो फाइनेंस कॉस्ट है जो ज्यादा थी, तो इसलिए वो करेक्टली रिफ्लेक्ट नहीं करती है। और ये वही है, 3 क्वार्टर के हैं, क्यू ओ क्यू है देखिए, या तो यहाँ के YoY देखिए, 9 मंथ का देखिए। तो अच्छा चीज में खाली हमको नजर आता है ये कि जो 55% 9 मंथ का प्रॉफिट मार्जिन ग्रॉस लेवल पे दिखा रहे हैं, 48% यहाँ दिखा रहे हैं, या सेकंड क्वार्टर में 53% दिखा रहे हैं, तो ये काफी पॉजिटिव दिखता है। प्रॉफिट मार्जिन तो बिजनेस में है, लेकिन वो चला जाता है सब इसमें अदर एक्सपेंसेस किधर कैसे क्या करते हैं लोग। और उसके बाद ये इबिट मार्जिन दिया हुआ है वो 10-12% के आसपास जो है आता है, और नेट लेवल पे अभी भी जो है लॉस में चल रहे हैं, वो एक चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है डेस्पाइट रिस्ट्रक्चरिंग। तो लोन का स्थिति ये हुआ, मार्च 20 में जो लोन था 11,755 करोड़, 4,270 करोड़ हो गया अभी वो। उसके अलावा ये बाकी OCD और CCPS हो गए, तो 11,000 का हो गया 6,820 करोड़। उसके बाद FCCVC भी थे, 1,300 करोड़ के 183 करोड़ है, टर्म लोन 43 का 46 करोड़ है। इस प्रकार से जो है 13,000 से 6,700 करोड़ नेट डेट है अभी है, ये थर्ड क्वार्टर के बाद तो करीब आधा है। और जहां तक इनका नेटवर्क और कैपेसिटी है, ग्लोबल कैपेसिटी 18.8 गीगावाट है, ग्लोबल में प्रेजेंस है जगह जगह, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, एशिया 13.8 गीगावाट है, और इंडिया के अंदर भी 12.8 गीगावाट यहाँ पे कैपेसिटी है। 1 मेगावाट से कम की 1,678 टरबाइन है, 177,777 मेगावाट। 1 मेगावाट से 2 मेगावाट की 4,268 टरबाइन है, जो 5,774 मेगावाट होती है, और 2 मेगावाट से बड़ी हुई 3,000 के करीब टरबाइन हो गई, जिसकी 6,296 मेगावाट अभी है। तो इनका कैपेसिटी कंपेयर करें दूसरे प्लेयर के मुकाबले, तो 34% ऑल इंडिया इंस्टॉल कैपेसिटी है, 15% ऑल इंडिया इंस्टॉल रिन्यूएबल कैपेसिटी है, 1800 कस्टमर रिलेशनशिप है, 25 साल का ऑपरेशन ट्रैक रिकॉर्ड है, और 28 टीका टेरावाट आवर एस्टिमेटेड एनुअल क्लीन एनर्जी जनरेट कर चुके हैं, जो इक्विवेलेंट है 2,291 मिलियन, मतलब करीब 230 करोड़ पेड़ प्लांट करने के बराबर है। और अगर उसको देंगे कार्बन कोल अवॉइडेंस में, तो 20.8 मिलियन टन कोयला या 27.4 मिलियन टन CO2 इमिशन सेविंग
इससे द्वारा हो गई है, तो सुनने में अच्छा लगता है। दूसरा ये है कि जो ये इंडस्ट्री सफर कर रही थी काफी दिनों से, उसमें थोड़ा अभी कुछ सुधार देखने को नजर आता है। जो सेकी की अभी टैरिफ है, टैरिफ कैप रिमूव्ड फॉर फ्यूचर ऑक्शन जो 2.99 होता था, तो पैन इंडिया डिमांड विंड नॉन विंड है, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग, प्रेडिक्टेबल वॉल्यूम, लार्ज स्केल ऑर्डर 250-300 मेगावाट के हैं, तो रेगुलेटरी रिस्क भी घट गया। अभी थोड़ा सा रेगुलेटर भी ध्यान दे रहा है कि इनको किसी तरह से इंडस्ट्री को इसको संभाला जाए। अभी इनके पास जो ऑर्डर है करीब 4,500 करोड़ के ऑर्डर हैं, और अगर जो 2,500 करोड़ अभी है तो उसमें करीब दो साल का विजिबिलिटी इसमें नजर आता है। और विंड एनर्जी सेक्टर में जो प्लेयर हैं उनमें सुजलोन आई थिंक नंबर 2 प्लेयर है जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इनका प्रोडक्ट में जो है 1S133 जो नया प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छा, बहुत इफिशेंट है, और उसके अलावा जो ये SB363 ब्लेड है इसको ही बहुत अच्छा जो है मार्केट में रेस्पॉन्स मिला है लेटेस्ट। तो इनके जो प्रोडक्ट में है, प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, 133/140 है, 120/140 है, 12.1 मेगावाट, और ये 2.6 मेगावाट है, और पहले जो प्रोडक्ट होता था ये 2.1 मेगावाट 111/140। तो ये जो है अगस्त 17 का था कमिशनिंग, प्रोटो कमिशनिंग, ये उसके बाद ये जो हुआ 120/105 जो है ये था जून 18, 120/140 हुआ दिसंबर 18, और अगस्त 19 में ये नया प्रोडक्ट आया 133। इसमें 25% तक ज़्यादा हायर एनर्जी यील्ड है 120 के मुकाबले 133 में, और 120 में जो 6-7% ही था इसमें क्वांटम जंप देखने को मिला है, तो कंपटीटिव एज इनको मिला हुआ है इसमें। मार्केट शेयर कुमुलेटिव 34% है, लार्जेस्ट फ्लीट अंडर मेंटेनेंस 12.8 मेगावाट, तो ONM का फाइनली जो है जब इनको रिवेन्यू अच्छे से आने लगेगा, स्टेबल हो जाएगा, तो दैट टाइम कंपनी जो है कुछ समय के बाद उस पोजीशन में आएगी। 9 महीने का जैसा पहले देखा, एप्टा मार्जिन जो है 16% है, और आउट ऑफ 3.43 गीगावाट कमिशनिंग डन अंडर सेकी स्टेट बिगिन जो 17% डन बाई सुजलोन थर्ड हाइएस्ट। तो हिंदुस्तान के अंदर 3.43 गीगावाट कमिशनिंग हुआ, उसमें से 17% शेयर सुजलोन का है, ऐसा कहना है। सुजलोन इज ऑन ट्रैक टू रिगेन इट फुट होल्ड इन FY21 डिस्पाइट कोविड चैलेंज, ये लिखते हैं। अब देखिए क्या फाइनली आपको देखने को मिलता है। विजिबिलिटी इंडियन विंड मार्केट में जो अभी जो घटता जा रहा था कमिशनिंग का टारगेट 5.51, 2.6, अभी एस्टिमेट है आगने वाले दिनों में 2.5, 3.5, 5.6 जो है इस तरीके से जो ये बढ़ेगा, जिस ऐसा है जिसमें की ड्राइवर जो है, जो पहले चैलेंज थे इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट थे, लैंड थे, डिले इन परमिशन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये सब डिले होती थी। अभी क्या ड्राइवर है, पुश फॉर क्लीन अफोर्डेबल स्केलेबल पावर सोर्स, मार्केट एक्सटेंडिंग फ्रॉम 8 विंड स्टेट टू पैन इंडिया, और टैरिफ फर्मिंग अप, टैरिफ कैप ऑन विंड रिमूव्ड, और डिमांड सप्लाई रेशनलाइज्ड, विंड ड्राइव प्राइसेस, विंड टर्बाइन जनरेटर प्राइसेस आर आल्सो फर्मिंग अप एंड फोकस ऑन विंड सोलर मेक इन इंडिया पुश। और ये इनके सुजलोन 2 की जो थीम है, कंपोनेंट एक्सपोर्ट करेंगे, सर्विस एक्सपेंशन होगा, फोकस ऑन कैश फ्लो, लार्ज ब्रेक इवन, हायर इंडिया फोकस, डी-रिस्क बिजनेस मॉडल, सब मैनेजमेंट में बोलने के लिए, प्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है। शेयर होल्डिंग का जब देखते हैं तो इनका पहले 19% करीब शेयर होल्डिंग था, जिसका 55% पहले इन्हें छुड़ाया था सेकेंड क्वार्टर में, या फर्स्ट क्वार्टर में 76 से 55 हुआ था, लेकिन वापस जो है कुछ कम हो गया, लेकिन और वापस प्लेज कर दिया। दिस प्लेज वाज परहैप्स पार्ट ऑफ दैट रिस्ट्रक्चरिंग पैकेज, तो उसमें ज़्यादा कुछ ऑप्शन उनके पास नहीं था। और ये इनके शेयर होल्डिंग जो की लिस्ट देखते हैं, पब्लिक शेयर होल्डर है, तो सारे जो रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है उसमें बैंकों के पास, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, LIC, और ये बाहर वाले कुछ हैं, टोर एशिया क्रेडिट, कैनन रियल्टी, आदित्य मीडिया सेल, न्यू स्टार डेवलपर, और ये संघवी के हैं, दिलीप सिंह भी ने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन के हैं। तो इस तरीके से शेयर होल्डिंग है डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब काफी इसमें नाम है। और ये 20 पुराना जो है, जब से लिस्टिंग हुई है उसका प्राइस चार्ट यहाँ पे पहले शेयर किया था, वही हमने रिपीट किया, यहाँ पे कुछ है नहीं। और जो
इसमें अडानी ग्रीन सोलर में जिस तरह से है उसमें इनको वो अच्छा कंपटीशन देती है, लेकिन विंड में जो है इनका लार्जेस्ट अभी है जो 133 वाला, बहुत अच्छा प्रोडक्ट। तो प्राइस वाज फॉलिंग ऑल अलोंग इन 2019, और 2020 में वो घट के 1-2 रुपए के आसपास आ गया। फिर 20 में जो भी चल रहा था ये, तो बॉटम अप्रैल में जो भी मार्केट डाउन हुआ था, सब कुछ डाउन हुआ था, ये भी डाउन हुआ। उसके बाद जो अगस्त में जैसे रिस्ट्रक्चरिंग जुलाई में अप्रूव हुआ, तो थोड़ा सा कुछ दिन ये अपर सर्किट में कुछ दिन रहा था, और उसके बाद फिर धीरे 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 जो उसका डाई डाउन हो गया, और डाई डाउन होने के बाद अक्टूबर से अक्टूबर में बॉटम बनाया, और उसके बाद जो है फिर अभी दिसंबर के बाद में ये बहुत तेज रफ्तार पकड़ा था, और वो फिर मूव फिजल आउट हुआ। तो अभी जो है ये जो दूसरी वाली पीक है, ये आपके क्वार्टरली रिजल्ट आया माह फरवरी में, और उसके बाद ये भी कंसोलिडेशन है, 4-5-6 रुपए की रेंज में कंसोलिडेशन चलता है। परफॉर्मेंस अगर पीयर ग्रुप के साथ करें, इनॉक्स विंड है, ओरिएंट ग्रीन है, तो कुछ खास उनके साथ है नहीं, और अडानी ग्रीन के साथ करेंगे तब तो फिर ये कहीं टिकेगा नहीं, वो अलग ही चीज है। ये पूरा जानकारी था सुजलोन के बारे में। तो सुजलोन में जो भी अगर ये इंडस्ट्री में पिकअप आता है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, और इंडस्ट्री सरवाइव करती है तो फिर सुजलोन एक अच्छा प्ले, अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित हो सकता है। और फिलहाल तो ये अभी ट्रेडिंग मूव के लायक ही अच्छा है, क्योंकि जो इंटरेस्ट बर्डन आधा हुआ है उससे बहुत ज़्यादा कंपनी को फिलहाल में फायदा देखने को नजर नहीं आ रहा है। और आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो ट्विटर हैंडल आप देख सकते हैं ये है BSANC2, वहाँ पे आपको सभी वीडियो और सब मिल जाएगी जानकारी। तो दिस ऑल दैट्स ऑल फॉर सुजलोन, थैंक यू वेरी मच।